Morning, sixth class. This is video number one of your chapter number 11, which is light shadow and reflection. ठीक है, light shadow and reflection क्या होता है बेटा? Light आपको पता है कोई भी चीज जिसके कारण हम कोई भी आसपास की सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं उसको light बोलते हैं. ठीक है, shadow यानी परछाई. जो हम परछाई, हमारी shadow बनती है light के अंदर, उसको परछाई को हम लोग शेडो बोलते हैं. और रिफ्लेक्शन यानी किसी भी चीज को रिफ्लेक्ट करके, यानी टच करके बाउंस बैक होना, इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू दिस चैप्टर. हैव यू एवर नोटिस दैट इन द डार्क द ऑब्जेक्ट आउटसाइड आवर होम और इनसाइड द रूम आर नॉट विजिबल. कभी आपने नोट किया है अगर अंधेरा है तो चाहे बाहर अंधेरा हो घर के, जैसे सूरज डूब गया है तो अंधेरा होने के कारण ना तो आपको घर के बाहर दिखाई देगा ना ही अंदर दिखाई देगा. On a cloudy day or in a fog, far objects are not clearly visible. और ऐसा ही अगर मौसम क्या है, बहुत बादलों वाला है या फिर fog पड़ रही है, जैसे सर्दियों में fog होती है, ठीक है, धुआं धुआं हो जाता है, तो आपको दूर की चीजें बिल्कुल भी clearly नहीं दिखाई देती हैं. During night, when we switch off the lights in our room, objects are not visible. यानी अगर आप रात के टाइम पे अपने घर की lights भी off कर दोगे, सूरज भी नहीं है बाहर क्योंकि रात हो रही है और आपने घर की lights भी off कर दी, तो क्या अब आपको room के अंदर क्या object कहाँ पर है दिखेगी? नहीं दिखेगी. But on a shiny day, यानी अगर sun निकला हुआ है, bright day है, far off objects are clearly visible. तो चाहे बहुत दूर दूर भी चीजें हों वो भी आपको आराम से दिख जाएगी क्योंकि लाइट जो है आपके सराउंडिंग में वो प्रॉपर है. सो लाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको कोई भी चीज को देखना है अपने एनवायरमेंट में या अगर आपके रूम के अंदर या घर के बाहर अगर आपको कोई भी चीज देखनी है तो लाइट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या हम लोग को जानने को मिलेगा. पहली चीज है, वेयर डज लाइट कम फ्रॉम. सबसे पहले लाइट कहाँ से आती है. हाउ लाइट हेल्प अस टू सी थिंग्स. लाइट हमें किस तरीके से हेल्प करती है कि हम चीजों को देख पाए. हाउ शेडो आर फॉर्म्ड. अब शेडो कैसे बनती है. ठीक है, शेडो कैसे फॉर्म होती है, कैसे बनती है. हाउ डज लाइट बाउंस एंड बेंड. और कैसे लाइट बाउंस करती है, यानी किसी चीज से टकराती है और बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, वेयर डज लाइट कम फ्रॉम. सबसे पहले कि लाइट हमारी कहां से आती है. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट एक एनर्जी है. ठीक है, लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल बट इट्स प्रेजेंस ऑफ लाइट अदर ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल. लाइट को हम खुद नहीं देख सकते, हम ये नहीं देख सकते लाइट कैसे ट्रैवल हो रही है. कभी आप ये नहीं देख सकते जैसे कि ये जो है यहाँ पर लाइट चल रही है या कहाँ पहुंच गई लाइट या और कहाँ तक चल रही है. तो लाइट जो है वो हमें विजिबल नहीं है, मगर लाइट से हमें क्या पता चलता है कि आसपास की ऑब्जेक्ट क्या है. यानी अगर लाइट है तो ही आप अपने सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. तो अगर एक रूम में अंधेरा है और एक रूम में लाइट है तो आप बता सकते हैं कि लाइट कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है. तो लाइट कहीं पर है या नहीं हमें किस चीज से पता चलता है कि अगर आपको सराउंडिंग्स में चीजें दिखाई दे रही हैं तो उस रूम में लाइट है या उस जगह पर लाइट है, और अगर आपको आसपास की चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं तो वहां पर लाइट प्रेजेंट नहीं है. द ऑब्जेक्ट दैट एमिट लाइट्स आर कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट. यानी वो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट निकल रही होती है, जिसके कारण हमें सराउंडिंग में चीजें दिख रही होती है, उसको हम सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं, यानी लाइट का जरिया. ठीक है, जहां से हमें लाइट मिल रही है. द सोर्सेज मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल. अब दो तरीके के लाइट के सोर्सेज हो सकते हैं, एक तो नेचुरल यानी जो नेचर से हमें मिले हैं, जो भगवान ने बनाए हैं, और एक आर्टिफिशियल जो मैन मेड है. ठीक है, यानी जो हम लोगों ने नहीं बनाया, सॉरी जो भगवान ने नहीं बनाया, ह्यूमन बींग ने बनाया है हेल्प के. फर्स्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, यानी नेचुरल सोर्सेज क्या क्या होते हैं वो पढ़ेंगे हम. द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट आर प्रोवाइडेड बाय नेचर. जैसा मैंने आपको बताया था कि नेचर से हमें मिली है नेचुरल सोर्सेज, इसलिए इसका नाम नेचुरल है, नेचर से. ठीक है, ऑन द अर्थ द सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट. तो अर्थ के ऊपर क्या है नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, सबसे बड़ा सोर्स जो है हमारे पास वो है सन. स्टार्स जो है लाइटनिंग, यानी जब बिजली कड़कती है. ठीक है, फायर फ्लाइज, यानी आपने वो देखे होंगे जो रात में जुगनू, जुगनू जिसको आप बोलते हो. ठीक है, ये सब क्या है हमारे नेचुरल सोर्सेज है लाइट के, यानी इसमें हमने कुछ नहीं किया, ये हमें नेचर से ही मिले हैं. इसमें स्टार्स हमने नहीं बनाए, सन हमने नहीं बनाया, या फिर बिजली हमारी वजह से नहीं कड़क रही है, फायर फ्लाइज हमने डेवलप नहीं किए हैं. तो ये सब क्या है, ये सब नेचुरल सोर्सेज है जो हमें नेचर से मिले हैं.
अब यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, लाइटनिंग फिश शो इन द डीप सी ऑल्सो गिव आउट लाइट फ्रॉम देयर बॉडी, यानी एक तरीके की फिश है, लैंटर्न फिश हम इसको बोलते हैं। लैंटर्न फिश का क्या होता है, देखो इसके ऊपर एक ऐसे बल्ब टाइप लगा होता है जो डीप सी में अंधेरे में इस फिश को आसपास देखने में मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ नेचर, यानी अब आर्टिफिशियल सोर्स क्या है, ऐसा सोर्स क्या है जो हमने अपनी हेल्प के लिए बनाया है। द मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट आर नोन एज आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट, यानी जो मैन ने बनाया है, ठीक है, जैसे अंधेरा हो जाता है रात के बाद, तो हम लोगों ने कुछ ऐसे सोर्सेज बनाए हैं जिसके कारण हम अंधेरे में भी देख सकते हैं, जैसे आपके फोन की फ्लैश लाइट हो गई या टॉर्च हो गई, ठीक है, या फिर लालटेन हो गई, या फिर जो भी आपके आसपास चीजें हैं उन सबके लिए जो ह्यूमन बीइंग ने बनाया उन सबको हम आर्टिफिशियल सोर्स बोलते हैं लाइट का, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, कैंडल हो गया, टॉर्च हो गया, ये सब क्या है, हमारे आर्टिफिशियल सोर्सेज लाइट के हैं। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ल्यूमिनस मतलब बेटा जो चीजें चमकती हैं, ठीक है, जिसके अंदर से लाइट निकलती है, जिसके कारण से आप अपने एनवायरमेंट को देख सकते हो, और नॉन ल्यूमिनस यानी जो चमकती नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस, एमिट मतलब निकलना, ठीक है, एमिट मतलब निकलना, यानी वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से लाइट निकलती है उसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। द डिफरेंट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, लैम्प, बर्निंग कैंडल एक्सेट्रा। अब देखो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल दिए, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक बल्ब हो, चाहे वो लैम्प हो, चाहे वो कैंडल हो जलती हुई, ये सब क्या है, ये ऐसी चीजें हैं जो चमकती हैं या जिनमें से रोशनी निकलती है जिसके कारण से आप आसपास की चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। चमकने में इसमें मतलब जो रोशनी आपको प्रोवाइड करती है जिसके कारण से उसमें से लाइट निकलती है और आप अपने एनवायरमेंट को देख सकते हैं। यू कैन सी अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इन इट्स ओन लाइट, अब आप एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को भी उसी की खुद की लाइट में देख सकते हो, यानी अगर ट्यूबलाइट कहीं पर लगी है तो आप ट्यूबलाइट को देख सकते हो ना उसकी खुद की लाइट में कि हाँ भाई ट्यूबलाइट जल रही है या ट्यूबलाइट की शेप कैसी है। तो यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी कोई भी ऐसी चीज जिसमें से लाइट निकल रही है तो वो खुद भी ऑब्जेक्ट उस अपनी लाइट में दिखती है। एट नाइट व्हेन इट इज डार्क, यानी रात में जब अंधेरा हो जाता है, इन द एब्सेंस ऑफ सन, क्योंकि अंधेरा कब होता है, जब सन एब्सेंट होता है, यानी सन जो है वो नहीं है इसीलिए अंधेरा हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब एंड द ट्यूबलाइट्स गिव अस लाइट एंड इनेबल अस टू सी द थिंग्स अराउंड। तो उस टाइम पे हम लोग कैसे देखते हैं, रात में जैसे कि आपने देखा है कि अपने घर में हम लोग दिन में जो है ज्यादा ट्यूबलाइट वगैरह नहीं जलाते, अगर कॉर्नर का रूम नहीं है या मेन रूम है जहां पर धूप आ रही है तो हम वहां पर हमें लाइट्स की जरूरत नहीं होती, मगर रात में जब सन नहीं होता है तो हम इलेक्ट्रिक बल्ब या ट्यूबलाइट इन सब का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें आसपास की चीजें दिख सके, ठीक है। अगर अंधेरा रहेगा तो कभी आप टेबल से टकरा सकते हो, कभी आप चेयर से टकरा सकते हो, कभी क्या पता आपको पता ही ना चले डोर बंद है या खुला है, तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल लाइट का, यानी जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए, ट्यूबलाइट हो गई, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है किसी और चीज से चलते हैं। द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट एमिट लाइट आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस, यानी अब ऐसी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से लाइट नहीं निकलती है, जिसके कारण से हमें चीजें नहीं दिखाई देती, जैसे टेबल है या चेयर है या ट्री है, क्या अगर ये कहीं पर चेयर लगी है तो आपको पता चलेगा चेयर में से लाइट निकलेगी नहीं निकलेगी, जैसे ट्यूबलाइट में से निकलती है वैसे चेयर में से लाइट नहीं निकलेगी, तो ये चमकने वाली ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऐसी ऑब्जेक्ट नहीं है जिसमें से लाइट निकले, ठीक है, तो वो सारी ऑब्जेक्ट्स नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाती हैं, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, ट्री हो गया, बुक्स हो गई, ये सब क्या किस चीज के एग्जाम्पल है बेटा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल है, यानी इनमें से कोई भी किसी भी किस्म की लाइट नहीं निकलती। You can see the objects only when light from the luminous object fall on these objects. तो यानी इनको आप कब देख सकते हो, जब कोई ऐसी ऑब्जेक्ट ऑन हो या ऐसी ऑब्जेक्ट आसपास हो जिसके अंदर से लाइट निकलती हो, यानी जब आप ट्यूबलाइट ऑन करेंगे तभी आपको ये पता चलेगा रूम में कहां पर क्या कहते हैं बेड रखा हुआ है, कहां पर टेबल रखी हुई है, कहां पर चेयर रखी हुई है, कहां पर बुक्स है, कहां पर पेंसिल है। तो इन ऑब्जेक्ट्स को यानी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम किसकी मदद से देख सकते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की मदद से हम इनको देख सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डज लाइट हेल्प अस टू सी थिंग्स, अब लाइट हमें किस तरीके से हेल्प करता है कि हम चीजों को देख पाए, अपनी आसपास की सराउंडिंग में जो हमारी चीजें हैं वो हम कैसे देख पाते हैं, लाइट हमें कैसे मदद करती है, उसको हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी आपने पढ़ा होगा लाइट में क्या होती है, रेज होती है, ठीक है, लाइट में क्या होती है, रेज होती है। अगर आपको नहीं पता है
तो कभी आपने देखा है कि रूम में अगर आपके एक होल है या फिर एक विंडो खुली हुई है, तो जब सन की लाइट उसमें से निकलती है तो वो ऐसे, जैसे सपोज ये आपकी विंडो है और यहां से लाइट आ रही है, तो वो ऐसे करके दिखाएगी और उसके बीच में आपको कई सारे पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखाई देते होंगे। तो यानी लाइट क्या है, लाइट की रेज होती है, ठीक है, लाइट की कुछ रेज होती है जो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पड़ती है और उसी के कारण हमें वो ऑब्जेक्ट दिखती है, ठीक है। यानी अगर ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट में भी पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई तीन तरीके होते हैं, या तो लाइट का एक पार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर से पास हो सकता है, लाइट में पास थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटली, या फिर जैसे शीशा होता है उसमें से प्रॉपर लाइट आती है, एक ऐसा शीशा होता है हल्का सा, मतलब जिसमें से आपको पता चलता है लाइट आ रही है मगर प्रॉपर नहीं आती, ठीक है, एकदम ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह लाइट नहीं आती, और एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती, यानी जिसकी शैडो बन जाती है। यानी अगर मैं ये पेंसिल रखूं, ठीक है, ये मैं पेंसिल रख रही हूं, तो आपको ये देखो ये शैडो दिखाई दे रही है मेरे हाथ के पीछे या पेंसिल के नीचे, ठीक है, ये आपको शैडो दिखाई दे रही है, यानी ये ऑब्जेक्ट जो है इसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, इसीलिए ये शैडो बना रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती वो अपने नीचे या अपने पीछे शैडो बनाती है। जैसे मेरा हाथ, ये देखो ये आपको शैडो दिखाई दे रही है ना, क्योंकि मेरे हाथ के अंदर से लाइट पास नहीं हो पा रही, आसपास से हो रही है, तो शैडो क्या हो जाती है, ऑब्जेक्ट जो यहां पे लाइट कोई भी नहीं आ रही तो इसको ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। यानी ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, लास्ट वाला है, ओपेक ऑब्जेक्ट। इन ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ओपेक ऑब्जेक्ट या ओपेक सब्सटेंस बोलते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से बिल्कुल ही लाइट पास हो जाती है, यानी एकदम ट्रांसपेरेंट, जैसे शीशा, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। या और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें से थोड़ा सा, देखो यहां पर देखो इस पिक्चर में, जैसे थोड़ा सा दिख भी रहा है मगर धुंधला धुंधला दिख रहा है, इनको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस। यानी दिख तो रहा है मगर बहुत हल्का हल्का दिख रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है, प्रॉपर नहीं दिख रहा है इसकी तरह, और ना ही बिल्कुल छुपा हुआ, यानी इन दोनों के बीच का ये होता है ट्रांसलूसेंट, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हैं कि कैसे, किस किस में हमें चीजें दिखेंगी, किस में क्लियरली दिखेंगे, किस में जो है क्लियर नहीं दिखेंगे। व्हाई डू डिफरेंट ऑब्जेक्ट बिहेव डिफरेंटली टू द लाइट। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्यों अलग अलग ऑब्जेक्ट जो होती है लाइट के सामने अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। दिस इज बिकॉज डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि वो चीज किससे बनी है, वो किस मटीरियल से बनी है, या कौन सा मटीरियल उसमें शो हो रहा है, और डिफरेंट मटीरियल शो डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट। अलग अलग मटीरियल अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं लाइट की तरफ, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस ऑल द मटीरियल कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। और इन्हीं ऑब्जेक्ट के बिहेवियर पे हमने सारे ऑब्जेक्ट्स को तीन तरीके में क्लासिफाई कर दिया, यानी तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया है। पहला है ट्रांसपेरेंट, दूसरा है ओपेक, तीसरा है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट जिसमें से बिल्कुल दिखाई देता है एकदम शीशे की तरह, ओपेक यानी जो सिर्फ परछाई बनाता है उसमें से बिल्कुल भी लाइट जो है वो पास नहीं हो सकती, ट्रांसलूसेंट थोड़ा दिखता है थोड़ा नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये तीन कैटेगरी हमारे पास है। सबसे पहले अब हम यहां पर पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। द सब्सटेंसेस विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर नोन एज ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस। यानी वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को प्रॉपर तरीके से अपने अंदर से पास होने देते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे ग्लास हो गया, एरिक शीट हो गई, वाटर हो गया, पानी में आप देख सकते हैं ना बिल्कुल आपको दिखाई देता है नीचे क्या है, मिट्टी है, गंध है, आपको सब दिखाई देता है। सेलोफेन पेपर, या सेलोफेन पेपर एक तरीके का पेपर होता है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। या फिर एयर, हवा, हवा से कभी अगर आपके, जैसे आप और आपके फ्रेंड खड़े हैं तो बीच में हवा तो है ही, तो क्या कभी ऐसा हुआ है हवा के कारण आपको अपने फ्रेंड की शक्ल नहीं दिखाई दे रही, ऐसा कभी नहीं हुआ। एयर हमेशा रहती है, हर जगह रहती है, मगर आपको सब कुछ क्लियर क्लियर दिखाई देता है। अब इसके क्या, तो इन्हीं सब एग्जाम्पल को जो भी हमने पढ़े हैं इनको, ये सब किस में आते हैं, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस में आते हैं। सेकंड है हमारा ओपेक सब्सटेंस, यानी ऐसे सब्सटेंस जिसमें से कुछ भी दिखाई नहीं देता, जैसे कार्डबोर्ड हो गया, ठीक है, या फिर अगर मैं आपको ये पेन दिखाऊं तो ये क्या है, क्या इसके अंदर से लाइट पास हो रही है, नहीं, ये हमेशा शैडो बनाएगी, यानी लाइट कभी भी इसके अंदर से पास नहीं होगी। जहां पर भी मैं पेन रखूंगी आपको नीचे पता नहीं चलेगा क्या है, तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये ओपेक सब्सटेंस है। द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक सब्सटेंस। यानी ऐसे सब्सटेंस जो लाइट को अपने अंदर से बिल्कुल भी पास होने नहीं देते उसको हम ओपेक
सब्सटेंस बोलते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, कोई भी मेटल हो गया, कोई भी कार्डबोर्ड या फिर पत्थर हो गए, कोई स्टोन हो गया। कभी आपने कोई पत्थर देखा होगा पड़ा हुआ है, क्या आपको पता चलता है उसके अंदर से कि इसके नीचे क्या है? नहीं पता चलता। मगर अगर पानी वहां से जा रहा है तो आपको पता चलेगा कि पानी के एकदम नीचे क्या है, क्योंकि पानी जो है वो ट्रांसपेरेंट है मगर पत्थर नहीं है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं किसके? ओपेक सब्सटेंसेस के। अब आते हैं ट्रांसलूसेंट थर्ड टाइप पे। द सब्सटेंस विच अलाउ ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम आर नोन एज ट्रांसलूसेंट, यानी लाइट के कुछ पार्ट को पास होने देता है। देखो दिख तो रहा है मगर बहुत हल्का हल्का दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा एकदम क्लियर, ठीक है? तो ऐसे सब्सटेंसेस को ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। अब क्या चीज है ऐसी? जैसे ग्राउंड ग्लास, एक तरीके का ग्लास होता है जो आपके स्कूल में विंडोज में भी लगा रहता है, लाइट तो हल्की हल्की आती रहती है मगर आपको क्लियरली कुछ दिखाई नहीं देता। फ्रोस्ट ग्लास, आवर ब्लड, हमारा जो खून होता है वो बहुत पतला होगा तो ही एकदम, तब भी वो ट्रांसलूसेंट ही रहता है, एकदम आपको क्लियर दिखाई नहीं देता। वैक्स पेपर जो होता है, आपकी जो स्किन होती है, ये सब क्या है? ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेस है। स्किन मतलब ऐसी नहीं, ऐसे तो ये ओपेक है मगर जब आप स्किन का एक लेयर निकालेंगे तब की बात कर रहे हैं। यानी जब आपका कभी खाल छिल जाता है तो आपने देखा है ना, उसमें से दिखाई तो देता है मगर बहुत हल्का दिखाई देता है। एनी ऑब्जेक्ट सीन थ्रू द ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट लुक हेजी, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस के अंदर से देखोगे तो वो बहुत आपको हेजी यानी धुंधला दिखाई देगा, क्लियर दिखाई नहीं देगा। ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारी जो वीडियो नंबर 1 है वो हम यहीं पर फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से पढ़ेंगे कि शैडोज क्या होती हैं और शैडो के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और रिफ्लेक्शन के बारे में हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।